नमस्कार सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हुए 6 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में भारी चूक, 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। पीएम मोदी की हत्या की थी साजिश, खालिस्तानियों समेत पंजाब के मुख्यमंत्री का बड़ा हाथ। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। पीएम मोदी ने कहा शुक्र है कि हम बच कर चले आए पंजाब से। दूसरी बड़ी अपडेट, कश्मीर में आतंकियों की गोलियों भी अब होगी बेअसर। बुलेट प्रूफ जैकेट में अमेरिकी राइफल से प्रहार करेगी पुलिस। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर, सीडीएस जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई जानकारी। वहीं दोस्तों आपको बता दें, कोरोना को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश भर में लॉकडाउन लगाए जाने का ऐलान हो रहा है। आपको बता दें कई राज्यों में लॉकडाउन लगाने को लेकर बड़ी खबर। तो एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे दोस्तों। चाइना, जापान, रूस को लेकर भी बड़ी खबर। पाकिस्तान को करारा झटका, पीओके में घुस करके मारने की तैयारी में है सेना, वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक एक करके खबरें विस्तार से जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भारी चूक, 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे पीएम मोदी। गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट, बड़ी खबर निकल के आ रही। पंजाब सरकार पर अब राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की उठी मांग दोस्तों। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी कल बठिंडा गए थे, वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। बारिश और खराब विजिबिलिटी के चलते पीएम मोदी ने करीब 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया। जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो वो तय किए कि वो सड़क मार्ग से राष्ट्रीय मेरिटर्स मेमोरियल का दौरा करेंगे, जिनमें 2 घंटे से अधिक समय लगेगा। पंजाब के DGP द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों की आवश्यक पुष्टि के बाद वो सड़क मार्ग से यात्रा के लिए आगे बढ़े। हुसैनीवाला में शहीद राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब पीएम मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। पीएम मोदी 15 से 20 मिनट फ्लाईओवर पर फंसे रहे और ये पीएम मोदी की सुरक्षा में भारी चूक थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा की योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। प्रक्रिया के अनुसार उन्हें रसद सुरक्षा के साथ साथ आकस्मिक योजना तैयार रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी थी। साथ ही आकस्मिक योजना के मद्देनज़र पंजाब सरकार को सड़क मार्ग से किसी भी आंदोलन को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी थी, जिनमें स्पष्ट रूप से कमी देखी गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें, फिलहाल गृह मंत्रालय काफ़ी गुस्से में है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी हुई है। पीएम मोदी बुधवार को 15 से 20 मिनट जिस तरीके से वहां खालिस्तानियों ने पूरा जाम लगा दिया था, उसके बाद गृह मंत्रालय ने भी इस पर पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी हुई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी के कार्यक्रम और दौरे के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बताया गया था। ऐसे में नियमों के मुताबिक राज्य को सुरक्षा के साथ साथ तमाम तरीके के सुरक्षा प्रबंध करने थे। साथ ही आकस्मिक प्लान को देखते हुए पंजाब सरकार को सड़क मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस सुरक्षा चूक के बाद काफिले के बठिंडा एयरपोर्ट पर लौटने का फैसला किया गया। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा चूक के मामले में संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। राज्य सरकार को भी इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई करने को भी कहा गया है। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी दिखे। पीएम नरेंद्र मोदी वापस बठिंडा एयरपोर्ट पर तो लौट आए, लेकिन पीएम मोदी ने अधिकारियों से सीधा सीधा कह दिया कि आपने अपने सीएम को शुक्रिया कहना कि मैं जिंदा लौट पाया, वरना आज जिस तरीके के हालात बने थे आज शायद ही वापस आ पाते। दरअसल आपको बता दें, इसके पीछे खालिस्तानी संगठनों के हाथ बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि खालिस्तानी संगठनों को पीएम मोदी की उस खास करके रूट की जानकारी किसने दी, और अब कांग्रेस पार्टी और सीएम चन्नी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर थे तो गृह मंत्रालय के अधिकारी, पीएमओ के अधिकारी जो है वो सीएम चन्नी से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन सीएम चन्नी फ़ोन से बात करना तो दूर, पीएम मोदी का नाम सुनते ही उन्होंने फ़ोन छुआ तक भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस काला कमान ये कहता कि आपने पीएम मोदी से क्यों बात कर लिया। यही कारण है कि पीएम मोदी से वो बात ना किए। फिलहाल पीएम मोदी जो है वापस लौटे, और प्रधानमंत्री मोदी वापस लौटने के बाद उन्होंने अधिकारियों से कह दिया कि शुक्रिया जो कि मैं जिंदा लौटी। तो हालत पंजाब में बेहद ख़राब है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर ने राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लगाए जाने की मांग की है। अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें।
हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। कश्मीर में अब आतंकियों की गोलियां भी हो जाएंगी बीएसआर बुलेट प्रूफ जैकेट में, अमेरिकी राइफल से प्रहार करेंगे पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद रोधी और सुरक्षा अभियानों में शामिल अपने कर्मियों के लिए 8,000 से अधिक बुलेट प्रूफ रोधी जैकेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि पुलिस विभिन्न स्तरों की सुरक्षा वाले बीआर वाहन और वाहनों के लिए शीशे हेलमेट, अल्ट्रा वाइड सीसीटीवी निगरानी प्रणाली और डीप सर्च माइंड डिटेक्ट भी खरीदेगी। सूत्रों ने बताया है कि पुलिस स्तर 5 सुरक्षा के कम से कम 7416 बीआर जैकेट और 6 स्तर सुरक्षा के 784 बीआर जैकेट खरीदेगी ताकि आतंकवादी रोधी और सुरक्षा अभियानों में शामिल उनके कर्मियों को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। उन्होंने बताया है कि स्तर 5 और 6 खतरे और सुरक्षा के उच्च स्तर का संकेत देते हैं और इन स्तरों की जैकेट का विभिन्न हथियारों से कम 5 बार परीक्षण किया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। सीडर जनरल विपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में सामने आई वजह, सेना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्द ही कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्तों देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के समेत 14 सुरक्षाकर्मियों के मौत के बाद हेलीकॉप्टर क्रैश में अचानक सा बादल आ गए थे और रिपोर्ट में रक्षा मंत्री को सौंप दिया गया और ये बताया गया है कि हेलीकॉप्टर के सामने अचानक से बादल आ गए थे और यही ये मुख्य वजह है जिसके चलते हेलीकॉप्टर जो है वो एक पहाड़ से टकरा गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि टीम को क्रैश के लिए जिम्मेदार कोई भी तकनीकी खराबी, तोड़फोड़ या मिसाइल हमले जैसे कुछ नहीं मिला। इस रिपोर्ट को सौंपने से पहले कई सारी चीज़ों की जांच की गई जिनमें दुर्घटना वाली जगह, हेलीकॉप्टर का स्ट्रक्चर, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड CVR शामिल है। FDR और CVR को ब्लैक बॉक्स के तौर पर जाना जाता है। टीम द्वारा क्रैश की जाँच में किसी भी तरीके की तकनीकी खामी का पता नहीं चला है। सूत्रों ने कहा है कि FDR और CVR के आंकड़ों से पता चला है कि किसी भी तरीके के स्थिति भ्रम को संकेत देने वाला कुछ भी नहीं था और हेलीकॉप्टर में भी कोई समस्या नहीं थी। सूत्रों ने बताया है कि BVIP मूवमेंट के लिए ट्राई सर्विसेज रिपोर्ट में सिफारिशें भी की गई हैं। रक्षा मंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्राई सर्विसेज ने BVIP फ्लाइंग प्रोटोकॉल में कुछ सिफारिशें की हैं। विमान या हेलीकॉप्टर में पेलोड को कम किया जाए, इसका मतलब कम से कम संख्या में लोगों का सामान को विमान से लाया जाए। तो ये एक तरीके से जो इसमें प्रथम दृष्टया रिपोर्ट में कहा गया है वो है अचानक बादल आने से पहाड़ों में टकरा जाना। हम चलते हैं एक और अपडेट दोस्तों। देश भर में COVID-19 हुआ भयंकर बेकाबू। आपको बता दें कई राज्यों में लगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में 15 फरवरी तक कॉलेज को बंद कर दिया गया। यूपी में भी 10वीं तक के कॉलेज पूरी तरीके से बंद। दोस्तों आपको बता दें देश भर में COVID-19 का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है और आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना 60,000 के करीब बेकाबू स्तर को पार कर गया है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई राज्यों में स्कूल कॉलेजेस को पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। यूपी में भी 10 तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बीच महाराष्ट्र में भी 15 फरवरी तक कॉलेज को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें यूपी समेत कई जगहों पर कोरोना की रफ्तार दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, केरला, बिहार, गुजरात, राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में हालात बेकाबू है। महाराष्ट्र के मुंबई में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया जाने वाला है। यूपी समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसे में कोरोना के लॉकडाउन के बीच दोस्तों फिर से नाइट कर्फ्यू तेजी के साथ बढ़ रहा है और देश भर में लॉकडाउन जैसे सिचुएशन अन पड़े हैं। और आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में जो रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े निकल के आए हैं वो हैं लगभग 58,000 के करीब। और आप और अगर दो दिन पहले के आंकड़े की बात करें तो 26,000 मामले आए थे, यानी 24-47 घंटे में मामले जो है जस्ट डबल हो चुके हैं और हालात देश भर में चिंताजनक बन चुके हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां पर तनातनी चीनी मीडिया ने कहा अमेरिका ने अगर रूस पर हमला किया तो मिलेगा करारा जवाब। दोस्तों चाइना जो इस समय रशिया को लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से बातें कर रहा है। यूक्रेन सीमा पर रूसी सेना के जमावड़े और अमेरिकी रूसी तनातनी में अब चीन भी कूद पड़ा। चीनी सरकारी मीडिया ने रूस के समर्थन में उकसावे वाली बयानबाजी की है।
ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि रूस के पास ऐसी वायु रक्षा प्रणाली की है कि अमेरिकी विमान टिक नहीं पाएंगे। इस तरीके से सोहू वेब पोर्टल ने चेताया है कि यदि पेंटागन ने F-36Z काला सागर में भेजे तो रूस उसे बख्शेगा नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत करने के बाद वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से वादा किया गया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें जहाँ पे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच तनावपूर्ण संबंध एक बार फिर बढ़े फासले। दोस्तों पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते पर तनाव का बादल छा लगातार छा रहा। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच गहरे कूटनीतिक और सैन्य संबंध हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों में उनके संबंध धीरे धीरे तनावपूर्ण रहे हैं। इसके पीछे की वजह रियाद द्वारा यमन युद्ध में सैनिकों का योगदान देने के अनुरोध की बात है। बैठने के तरीके से भी बवाल मच गया है दोनों देशों में। आपको बता दें दिन ब दिन मामला बढ़ता जा रहा है। इस बीच महमूद कुरैशी ने एक बार फिर से सऊदी अरब को नाराज कर दिया है, क्योंकि उनके सऊदी के दूत आए थे जिसमें उनकी मेजबानी की और मेजबानी में उन्हें जूता दिखाते भी दिखे थे, पैर को इस तरीके से रखा था, जिसको लेकर जमकर किरकिरी हुई है। तो ये एक मामला है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पे बुल्ली बाई ऐप, जी हाँ बुल्ली ऐप जो है वो अब बुल्ली वेब जैसे ही महिलाओं को निशाना बनाने वाला चैनल अब ब्लॉक किया गया है। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है दोस्तों। आपको बता दें बुली बाई ऐप जैसे ही एक और ऐप निकला है, इस टेलीग्राफ चैनल है और इस चैनल में जो है हिंदू महिलाओं की तस्वीरें साझा की जा रही थी और गंदे गंदे कैप्शन के साथ अश्लील सामग्री प्रस्तुत कर रही थी। इसके बारे में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक कर रही है, ऐसे करने वाले को जरूरी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों हिंदू महिलाओं को अपडेट, पीओके में घुस करके घुसपैठ करने की फिराक में है लगभग 100 आतंकी पीओके में बैठे हुए हैं, सेना कर सकती है एयर स्ट्राइक, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की है तैयारी। नए साल में पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर से तेज होती दिख रही है। पिछले 3 दिनों से सीमा पार 2 आतंकी मारे गए हैं, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इसी बीच खुफिया अलर्ट हो गया है कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी संगठन और उनके आका बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। इस अलर्ट के मुताबिक आतंकी एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना सकते हैं, इसके लिए आतंकी पीओके से घुसपैठ करने की फिराक में। आपको बता दें कि बीएसएफ के आईजी ने भी बताया है कि सीमा पार आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है, 3-4 आतंकी संगठनों के लोग घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक 10 से 12 आतंकी देखे गए हैं। दरअसल हाल ही के दिनों में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा की साजिश को बेनकाब किया गया, जिसके बाद एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षा बलों को जानकारी दी कि पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ कर सुरक्षा बलों और पुलिस पर हमला कर सकते हैं। अलर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद आने वाले दिनों में पुलवामा के पास लोकल पुलिस पर हमला कर सकते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, पुलवामा में बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी सहित जैश के 3 आतंकियों को किया ढेर, हथियार भी किए बरामद। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया और उसमें एक पाकिस्तान का आतंकी भी शामिल है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार खुफिया विभाग से पुलवामा जिले के चांदगांव इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। इस पर सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके में घेर लिया। सुरक्षा बलों ने खुद को घेरा देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया, इनमें से एक पाकिस्तानी नागरिक है। आईजीपी कश्मीर ने बताया कि अभी भी 2 M4 कार्बाइन और 1 AK सीरीज राइफल सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है। UNSC में आतंकवाद कमेटी का अध्यक्ष बना भारत तो पाकिस्तान को लगी मिर्ची, इमरान खान ने उगला जहर। दोस्तों दरअसल यूनाइटेड नेशन की तरफ से मंगलवार को घोषणा की गई कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन UNSC में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति को बनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का काउंटर टेररिज्म कमेटी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ बड़े कदम उठाता है और अब भारत उस कमेटी का अध्यक्ष है। जो जाहिर सी बात है कि आतंकियों के सरदार पाकिस्तान के पेट में दर्द होना स्वाभाविक बात है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी गई है और यूनाइटेड नेशन के ट्वीट के बाद पाकिस्तान में बेचैनी मच गई है। पाकिस्तान परेशान इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान देख चुका है कि पिछले साल अगस्त में जब भारत 1 महीने के लिए UNSC का प्रेसिडेंट बना तो भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कितना एक्सपोज कर दिया था।
हम चलते हैं, कोई अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। हादसे में सीडीएस समेत मारे गए थे 14 लोग आज। जी हाँ, दरअसल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पिछले महीने हेलीकॉप्टर क्रैश मामले की जांच की रिपोर्ट आज बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी जाएगी। इस हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 सुरक्षा अधिकारियों की मौत हो गई है। ग्रुप कैप्टन रणन सिंह की एक हफ्ते बाद मौत हुई है। सुबह आपको बता दें कि 11 बजे सीडीएस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तीनों सेनाओं के पूछताछ के प्रमुख एयर मार्शल मनविंदर सिंह के साथ भारतीय वायुसेना प्रमुख रक्षा मंत्री की रिपोर्ट जानकारी देंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट। जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान, भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर गिरेगी गाज। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर ली है। जो कुछ जासूस किस्म के थे उनको भी शिकंजा कसेगा। इसके तहत उन पुलिसकर्मियों को भी टर्मिनेट किया जाएगा जो भ्रष्टाचार, विध्वंसक और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस संबंध में कर्मियों को एक सूची भी तैयार कर ली है जिसके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई संभव है। खास बात यह है कि पहली बार जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन लोगों की सूची तैयार की तो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हैं। खबर है कि सूची में 168 लोगों के नाम हैं। इनमें से 161 घाटी से हैं जबकि 6 लोग जम्मू से हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के 168 जवानों में उन लोगों की जांच की जा रही है जिनके तार तोड़ फोड़ करने वालों से जुड़े हुए हैं। संदिग्ध 7 पुलिसकर्मियों में से 2 जम्मू, रजौरी और पुंछ जिले से हैं, वहीं 1 तार किश्तवाड़ से जुड़े हुए हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आतंकिस्तान के खौफनाक कारनामे। करतारपुर कॉरिडोर कनेक्शन का हुआ पर्दाफाश, सिख वेशभूषा में आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश रच रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने में बाज नहीं आ रहा है। एक के बाद एक अपने खौफनाक मंसूबों की प्लानिंग करने वाला आतंकिस्तान नए साल पे नए घुसपैठ की तैयारी में जुट गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अब श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक माने जाने वाले करतारपुर कॉरिडोर से घुसपैठ करने की साजिश रच रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लश्कर ए तैयबा 5 आतंकियों की सिख वेशभूषा में करतारपुर कॉरिडोर से घुसपैठ कराने की तैयारी में लगा हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ से जो सबूत लगे हैं उसके मुताबिक करतारपुर कॉरिडोर से आतंकियों की घुसपैठ हो सकती है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने घुसपैठ की जिम्मेदारी लश्कर को सौंप दी है। अब आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आतंक किस तरीके से फैलाना चाहता है। हम चलते हैं, एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, बड़ी एक और खबर निकल के आ रही है, इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर का राग, मोदी सरकार खिलाफ उगला जहर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलाप दिया है। इमरान खान ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह की UNSC की प्रतिबद्धता आज भी अधूरी है। कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर भी इमरान ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। बुधवार को ट्वीट करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी भड़ास निकाली, यानी जम्मू कश्मीर को लेकर इमरान खान का जो रोना है वो जारी है। दरअसल इसके पीछे भी बड़ी वजह है, जम्मू कश्मीर में महंगाई बढ़ेगी तो इमरान खान अगर पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी तो इमरान खान जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अगर पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ेगी तो इमरान खान जम्मू कश्मीर में की बात करेंगे, अगर पाकिस्तान में भुखमरी बढ़ेगी, वहाँ डॉलर के मुकाबले रुपया 176 पहुँच चुका है, भारी गिरावट हो रही है, बेतहाशा महंगाई और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है, भ्रष्टाचार जो है पूरी तरीके से चरम पर है, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो अब इमरान खान जो है वो कहीं ना कहीं रोना शुरू हो गया। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जापान में 2 पाकिस्तानियों का शव दफनाने के बजाय जलाएगा भड़के लोग। दोस्तों, जापान में पाकिस्तान के एक व्यक्ति के शव का दाह संस्कार किए जाने पर विवाद हो गया। व्यक्ति पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला था और कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद स्थानीय अधिकारियों ने उनके शव का मुस्लिम रीति रिवाज दफनाने के बजाय दाह संस्कार कर दिया। पिछले 6 महीने में ये दूसरी बार जापान में किसी पाकिस्तानी व्यक्ति का अंतिम संस्कार अपनी तरीके से कर दिया। इस घटना को लेकर जापान में रहने वाले पाकिस्तानी इमरान खान सरकार से सवाल कर रहे हैं। तो जापान से कुछ कह भी नहीं सकता है क्योंकि चाइना का करीबी होने की वजह से जापान पाकिस्तान को लिफ्ट भी नहीं देता, और जापान और पाकिस्तान की तो भी कहीं ना कहीं तरीके से भारत की तरह ही ठनी है। ऐसे में जापान ने पाकिस्तानियों को साफ कह दिया है कि या तो यहाँ रहो ना, अगर यहाँ रहोगे और मरोगे तो हमारे ही रीति रिवाज के साथ आपको अंतिम संस्कार
किया जाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, दिल्ली में कोरोना की पांचवी लहर, आज 10,000 हुआ पार। वहीं असल जोखिम, जितना ओमिक्रॉन फैलेगा उतना नए खतरनाक वेरिएंट भी पनपेंगे, तो ये WHO ने भी आगाह कर दिया है। तो देश भर में दोस्तों कोरोना और ओमिक्रॉन जो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। फिलहाल पल पल के अपडेट में इतना ही। आपको क्या लग रहा है कि कोविड 19 को लेकर जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है ये